तो फ्रेंड्स अभी घर बना दिया हूँ, जैसा भी मुझे आता है उस तरह से बना दिया हूँ। और हमारा कपिल बोला था कि ये भिंडी खाना मत, क्योंकि अभी 5 दिन हुआ, पता नहीं इंक्यूबेटर में मर गए हैं सब कि बच्चे हैं सब। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मजरा में बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारा कपिल भी बहुत ज़्यादा पछता रहा है बेचारा, और मुझे तो मतलब पछतावा आ ही रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी तो मैं आया था भिंडी तोड़ने, और अभी तोड़ लिया हूँ और लेकर चल रहा हूँ। भिंडी है, और इसमें देख रहे हैं मिर्च है, और एक तीन है जो अंजीर बोलते हैं। फ्रेंड्स, गलती ये हुआ है कि जो मैं वीडियो में आप लोगों से दिखाया था कि इनक्यूबेटर मशीन से जो मुर्गी के बच्चे निकले थे, तो अभी करीबन वही 12-14 दिन हुआ था फ्रेंड्स उन लोगों को निकले हुए। और डेली बाई डेली इतना ज़्यादा धूप होता था, तो खैर ठीक है, धूप में तो वो लोग बढ़िया रहते थे, और छाया बनाया हुआ था इन लोगों के लिए। तो चलिए दिखा दूँ पहले, ये देखिए छाया बनाया हुआ था इसके अंदर। और कल फ्रेंड्स रात में ऐसा बारिश हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, और समझ लीजिए कि उतना की वजह से थोड़ा ठंड बढ़ गया है। और देख रहे हैं कि ये बच्चे सब मर गए हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से ये इससे सब सोए थे, 27 बच्चे थे सब, तो 27 बच्चे में ये 3 तो एकदम मर गए थे, और 3-4 का वो 3-4 बच्चे थे फ्रेंड्स, तो वो लोग अब थोड़ा 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 करके अपना पाँव हिला रहे थे। कोई पाँव हिला रहा था, तो कोई ऐसे चोंच ऐसे खोल रहा था, बंद कर रहा था, मतलब वो भी मरने वाले ही थे। मैं आया सुबह सुबह देखा, तो क्या किया फ्रेंड्स, तुरंत उन लोगों को उठाया और ले जा करके अपने रूम में जो इनक्यूबेटर मशीन है, उस इनक्यूबेटर मशीन में उन सबों को डाल दिया हूँ। उसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा गर्माहट रहता है, तो मैं आया था मजरे में, और ये देख रहे होंगे आप लोग तोड़ रहा था। 1 घंटा हो गया है, अब पता नहीं इनक्यूबेटर में मर गए हैं सब कि बच्चे हैं सब। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं भी देखूंगा ऊपर वाला करे कि बच जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग रखे थे इनक्यूबेटर में जब नया मशीन आया था, तो और पहली बार ये लोग ये बच्चे निकले थे बाहर। मेन बात ये है फ्रेंड्स कि हमारा जो कपिल के घर इसके मतलब जो नाती पोते हैं बच्चे हैं, वो लोग आकर के इतना खुश होते थे, उसको खिलाते थे बच्चे को, लेकर के हाथ में फिर रख देते थे। अभी तो सब मर गए, सब नहीं, उसमें से 9 बच्चा मतलब थोड़ा टाइट थे, तो उन लोगों को मैं बाहर ही रख दिया हूँ 9 बच्चे को। और सारे बच्चे जो लेटे हुए थे, कोई पाँव हिला रहा था, कोई मतलब चोंच खोल रहा था, तो उन लोगों को उठा के इनक्यूबेटर मशीन में डाल दिया हूँ। अब पता नहीं कैसे है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, रूम में रखा हूँ और मशीन चालू है। मशीन तो पहले भी चालू था, क्योंकि उसमें अंडा अभी भी रखा हूँ, तो उसमें अंडा रखे हमको 7-8 दिन हो गया है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और अभी देखिए मौसम कैसा हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे पूरा बदली बदली है एकदम चारों तरफ, देखिए। तो अभी हमारा कपिल था, देखा और देख करके जा करके वो मतलब रूम में चला गया, वो बोलता कि अब कुछ भी कर लो बचेंगे नहीं। तो जो मतलब लेट गए सब, मुंडी कोई नहीं हिला रहा, तो कोई बस चोंच खोल रहा, कोई हल्का हल्का पाँव मतलब कांप रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गर्माहट जगह पर रख दूँ तो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई तो बच ही जाएगा, तो रखा हूँ, देखते क्या होता है। इससे अच्छा फ्रेंड्स मैं इसके अंदर रख दिया होता ना, यहाँ जो ये जो बड़ी वाली मुर्गियाँ रहती हैं, इसके अंदर मैं रख दिया होता रूम में, तो शायद बच गए होते। और फ्रेंड्स एक बात और बताइएगा आप लोग, अब तो मैं चल रहा हूँ। हमारा कपिल बोला था कि ये भिंडी खाना मत, क्योंकि अभी 5 दिन हुआ है दवा डाले हुए, लेकिन अपने इंडिया में तो फ्रेंड्स दवा डालते हैं हम लोग, और तीसरे दिन चौथे दिन खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सोच के तोड़ कर लेकर जा रहा हूँ, पहले धोऊंगा, धो करके सुखा दूंगा, उसके बाद बढ़िया से तब खाऊंगा। तो आलू है रूम में, मज़ा नहीं आता है आलू खाने खाने में। अभी तो इसका लड़का आया है, तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया बात है, इसका लड़का हमारा कपिल है, बहुत मस्त आदमी है, बहुत मस्त, वो हमेशा यहाँ पे रहे ना तो मुझे किसी बात की दुख नहीं होगी, हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है, घर में कुछ बनता है तभी भिजवाता है हमारे लिए। तो अभी तो लगता है कि नहीं है, पता नहीं चलता है, तो वही लेके चल रहा हूँ। भिंडी है, थोड़ा मिर्चा है, शाम को बनाऊंगा, और आ गया हूँ फ्रेंड्स रूम में, देखिए। तो ऊपर वाला करे कि सब बच जाए, कोई मरा ना हो। तो हमारा कपिल जो बुढ़ा है, कपिल का जो पिताजी, बहुत खुश होगा वो भी कि हाँ सब बच गए। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी लगता है आज धूप नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, ये मौसम देख रहे होंगे आप लोग,
और बकरियां भी इधर उधर जा करके बैठी हैं सब। और डेली ऐसा होता है ना, ये तबीयत खराब होने वाला मतलब मौसम बन गया है। डेली ऐसा होता है कि धूप होता है अच्छा खासा, धूप भी नहीं हुआ। तो शायद मशीन की आवाज सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए मशीन चालू किया हूँ फ्रेंड्स। मशीन चालू किया हूँ, देखिए इसमें रखा हूँ। और यहाँ देखिए 9 बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों को मैं बाहर रख दिया हूँ ताकि ये सब सही है, ये सब सही। पहले मैं आया ना फ्रेंड्स तो घर में पूरा गैस जला के तीनों चूल्हा जला करके छोड़ दिया था। ओ तरीके हैं भगवान, सब लोग लगते हैं सही है। ये देखिए फ्रेंड्स सब खड़े हो गए अपने पाँव पे। कोई कोई है जो वो भी उल्टा सोया हुआ है, देख रहे होंगे मुझे ऐसे लगता है वो नहीं नहीं अभी जिंदा है, वो भी जिंदा है फ्रेंड्स, लगता है बच जाएंगे सब। ये देखिए बहुत बढ़िया बात है। ये फ्रेंड्स इसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर फ्रेंड्स हल्का गर्माहट होती है ना, देख रहे हैं अभी 35 हो गया, ये 38 हमेशा मतलब ये टेम्परेचर रहता है इसके अंदर। तो इसके वजह से ये लोग मतलब ठंड से मर रहे थे, तो ठंड से लोग मर रहे थे फ्रेंड्स, तो इसके अंदर रख दिया हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी वजह से ये सब बच गए। और हमारा मतलब वो जो बुढ़ा कपिल है, कपिल के पिताजी, वो भी बहुत खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कह रहे थे आप लोग कि सिलेंडर अंदर रखने के लिए, तो ये देखिए सिलेंडर में अंदर रखा हूँ। तो हमारा हमारा जो ये कपिल आया था बुड्ढा, तो कह रहा था कि सिलेंडर कहाँ गया, सिलेंडर ये लोग गाज बोलते हैं इसको, गैस को ये लोग गाज बोलते हैं, बोलते हैं कि गाज किधर गया, वेंडो गाज अरबी में। तो मैं बोला कि मैं अंदर रख दिया हूँ। कह रहा लस फायदा, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, हमको लगता है कि बाहर रखे या अंदर रखे धूप में, क्योंकि मैं जाके देखा इसका तो सारा सिलेंडर इसका, चार सिलेंडर, चारों सिलेंडर इसका बाहर पड़ा हुआ है धूप में। तो फ्रेंड्स अभी मैं बंद कर दिया रूम और थोड़ा देर बाद आऊंगा, तो अभी थोड़ा और सूख जाए, वो सब सूख जाएंगे, उसके बाद थोड़ा दाना वाना रखूंगा खाने के लिए उन लोगों को। तो फ्रेंड्स 3 घंटे बाद मैं इन लोगों को निकाल दिया हूँ। यहाँ देखिए अभी सब एकदम जैसे लग रहा कि कितना बढ़िया हो गए, जैसे लग ही नहीं रहा कि ये लोग मतलब मर रहे थे, सो रहे थे एकदम। ये देखिए सारे के सारे सही हो गए हैं। अभी पानी भी डाल दिया हूँ इसमें और खाने का भी व्यवस्था रख दिया हूँ। यहाँ एक अंजीर रखा था, वो भी सब खा लिया है सब, अभी लगता है सही हो जाएंगे सब। अभी इस समय जाऊंगा फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करना है जो बरसीन के बगल में जो आप लोग घास देखे होंगे उसको अमरीकी बोलते हैं, तो आज अमरीकी काटना है और पूरा दिन मतलब वही काटना, क्योंकि बरसीन में थोड़ा बहुत दवा डाल दी है हम लोग कल। तो फ्रेंड्स इन बच्चों के लिए घर बनाना पड़ेगा हमको, मजरा में नहीं रखूंगा। और मैं कपिल से बोला कि कहाँ पे इसको रखूं, तो बोला है कि ऐसा मजरा में नहीं रखो और तुम जानो कि तुम जानो कहाँ रखना है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी के अंदर बनाऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ बकरियाँ रहती है, मान लीजिए चारों तरफ से दीवार है और इसके अंदर हवा भी नहीं जाएगा, और कभी मान लीजिए बाई चांस बाहर भी निकल गए तो डर नहीं रहेगा, जैसे बिल्लियां इधर घूमती उमती हैं तो पकड़ लेंगी सब। तो आइए दिखाऊं कहाँ पे बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हवा बहुत ज्यादा चल रहा है आज, पता नहीं आवाज कैसा जा रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इसी जगह पे मुझे बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, यहीं पे मैं बनाऊंगा। यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये मुर्गियों का पुराना घर है, इसमें मुर्गियां रहती हैं, और इसके साइड में यहाँ पे मैं घर बनाऊंगा इन लोगों के लिए और इसी में छोड़ दूंगा। और सोच रहा हूँ भी किस चीज का बनाऊं, तो अभी फ्रेंड्स मैं सोच रहा था कि किस चीज का बनाऊं, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये एसी का एक खोलरैया है, तो एसी का जैसे खोखला टाइप है लोहे का, पता नहीं इधर कचड़े में फेंका हुआ था, तो इसके मजरा के अंदर था फ्रेंड्स, तो मैं लेकर के आया और यहाँ देखिए रखा हूँ, और इसी को सोच रहा हूँ ऐसे रख के बनाऊंगा। तो अभी बना करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी घर बना दिया हूँ, जैसा भी मुझे आता है उस तरह से बना दिया हूँ, और चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनाया हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ जाली टाइप इधर भी है, उधर भी है और पीछे भी है। और फ्रेंड्स इधर देखिए क्या किया हूँ, ये ऐसे
खोलने के लिए ऐसे खोलूंगा और इसमें बच्चे रहेंगे। और देख सकते हैं आप चारों तरफ से जाली है, यहाँ इधर भी इधर भी, थोड़ा बहुत हवा भी आएगा और इसके अंदर रख दूंगा तो ये लोग खाएंगे। और ऐसे दरवाजा इधर लगा दूंगा, यहाँ देखिए इधर भी एक सरिया लगा रखा हूँ, इधर भी एक सरिया लगा रखा हूँ। और ये तो फरसा था एक चटाई टाइप का, इस पे लगा था तो मैं थोड़ा इस पे से निकाल के इसके ऊपर भी रख दिया हूँ, ताकि शम्स, वो शम्स कह रहे हैं अरबी भाषा निकल गया, शम्स बोलते हैं धूप को ये लोग, तो अगर घाम भी होगा धूप भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो अभी तो काम हमारा ज्यादा है फ्रेंड्स, अभी चल रहा हूँ मजरा में और वीडियो यहीं पे अब क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।